जैसी स्थिति हमारी हुई है, हमने पता बीमार हम हो लिए, डंडे में हम पड़ रहे हैं, उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई, डरे मारे मारे उग्रवादी बताए गए, कभी पुलिस आ रही, कभी मिलिट्री आ रही, कभी ये नेता आ रहे, इनके भाजपा के भगाओ इन्हें भगाओ, हम यही बैठे रहे दो रात तक सोए नहीं। बहुत फर्क है, अंग्रेज भी सजा नहीं देते जो ये दे रहे। अभी इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो हुक्का भी पी रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? इलम सिंह। कहाँ से हैं आप? मेरठ जिले से। कितनी उम्र है आपकी? 57 साल। कितने वक्त से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो बीते कुछ दिनों से चल रहा है, जिस तरह से सरकार बोल रही है, पुलिस बोल रही है, उसको लेके आप क्या सोचते हैं अभी? भाई सोचते क्या, हम तो किसान आदमी अपने हक के आए, ये हमारे में जो कानून सौंप दिए हटवाने के लिए आए, इधर ना हटेंगे तो अड़े ही रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी बुद्धि सही कर दे, इनकी दुख धारण से बुद्धि हड़ी जा रही है हमारे प्रधानमंत्री की। अन्नदाता यहाँ पड़े वो माइलाबाद में गंगा नहा रहा, उसने जो ध्यान नहीं दे रहे, अन्नदाता कहाँ पड़े हैं, हम 56 दिन से यहाँ पड़े हैं है? और वो गंगा नहा रहा इलाहाबाद में, तो उसकी बुद्धि मलिन होगी बेटे, अब उसकी हम ठीक कर देंगे, उसकी बुद्धि ठीक कर देंगे, हमारी आत्मा का सारा पड़ेगा तुम्हें, समझिए। हमने 56 दिन हो लिए अपने, जैसी स्थिति हमारी हुई है, हमने पता बीमार हम हो लिए, डंडे में हम पड़ रहे हैं, उसकी बुद्धि ठीक नहीं हुई, भगवान करेगा उसकी बुद्धि ठीक ही। आपने, आप बता रहे हैं कि आपकी उम्र 97 साल है, आपने तक लंबा वक्त देखा होगा, कई आंदोलन देखे होंगे, इस आंदोलन में जिस तरह से सरकार व्यवहार कर रही है, पहले के आंदोलनों में और अब के आंदोलन में आप कोई फर्क पाते हैं? बहुत फर्क है, अंग्रेज भी सजा नहीं देते जो ये दे रहे, दो रात में ऐसी काटी है कि मेरे जी ना पता, मेरे साथ इतना अत्याचार करा गया, डरे बगे लगे, उग्रवादी बताया गया, नक्सलवादी बताया गया, ये किसान नहीं है, लोटी खाते फिर रहे, हमें देखो हम किसान नहीं है क्या, 97 साल की उम्र है, हम मेरे दो लड़के फौज में है और मैं यहाँ हूँ, 6 लड़के हैं मेरे और खेती कर रहे हैं, 2 लड़के फौज में हैं और हमें नक्सलवादी बता रहे हैं लोग, हम सीमा की रक्षा भी कर रहे हैं, देश कमा के बिखवा रहे और हमें उग्रवादी बता रहे हैं लोग, तो इनकी बुद्धि खराब होली बेटा, मैंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है और अब इनसे लड़ रहा हूँ, वे अंग्रेज इनसे लड़े बढ़िया थे, वे जज के द्वारा 4 असेसर रहते और वे पूछते थे बताओ क्या करें, जो हिंदुस्तानी 3 कहते थे चौथा कम हो जाता तो सजा दे दी, कभी उन्होंने अपने कानून नहीं बनाया, भारत से ही पूछते थे बताओ इसे बरी करूँ या सजा दूँ, हिंदुस्तान ये तानाशाही चला रहे, हमारे ही होकर तानाशाही चला रहे हैं, ऐसे तानाशाही उन्होंने नहीं करी हमारी हेल्प जैसी ये कर रहे हैं। दादा पहले के सालों में जैसे इंदिरा गांधी की सरकार रही थी या मनमोहन सिंह की सरकार रही थी, तब भी किसान आंदोलन रहते थे, किसानों का विरोध रहता था, कभी उस दौरान आप आए थे दिल्ली की तरफ, विरोध किया था आपने? हाँ, हमने अपनी माँ की रैली हटा दी थी इन्होंने, इंदिरा की रैली हटा दी थी हमारे, हम पिटे नहीं, हमारी रैली करवा दी थी, हमारी क्या था बर्ताव किसी नहीं कराता था, इस प्रधानमंत्री ने कराया। और बेटा एक प्रधानमंत्री तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसी आत्मा सबको दे जैसा लाल बहादुर शास्त्री, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री था कि भगवान हमारा देश का सुधार हो जाता वो ना मरता तो, लाल बहादुर शास्त्री है ये अमरीका से जमा होता नरमान हो जा सुधारा 64 नाम थे उनके और वो खाते थे हम, और लाल बहादुर ने वो गल्ला खत्म करके हमारी ऐसी रुचि बढ़ाई, जय जवान और जय किसान जो नारा दिया, और इतना गल्ला हो गया कि हम विदेशों को गल्ला भेज रहे, उधर जवान की वहाँ बढ़ाई उधर किसान की वहाँ बढ़ाई लाल बहादुर शास्त्री ने। आपने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, आज 30 जनवरी आज ही महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, जब गोली मारी गई थी आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, आपको वो वक्त याद होगा, उस टाइम किसानों की क्या स्थिति थी और महात्मा गांधी के किसानों को लेकर जो विचार थे उसके बारे में आपको कुछ याद है स्मृति में कुछ? बेटे कांग्रेस ने मदद करी हमारी, हमारे गाँव में 4 कुएं थे, पानी नहीं निकला था, उन्होंने 10,000 ईंट 35 कट्टे सीमेंट हर किसान को फ्री दिया, कुएं लगवा दिए, पानी की सिंचाई होने लगी, फसल बढ़ गई, ये कांग्रेस ने कराया हमारे साथ, कोई पैसा नहीं लिया आज लुभाने से उन्होंने, तो इससे तो कांग्रेस गरीब बढ़िया थी। क्या आपको, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, सेहत ठीक नहीं रहती होगी, आपको डर नहीं लगता यहाँ पे जिस तरह से पुलिस आती है या जिस तरह से को आप सिंगू बॉर्डर पे देखने को मिला कि पत्थरबाजी करी कुछ कथित स्थानीय लोगों ने, आपको डर नहीं लगता? एक बात तो बता,
डर के करे भगवान ने जान दिए यार, जो भी दनादे लिख दिया छठी रात के अंक राई का टहरा तिल बड़े रहना जी, जब मौत आ रही उन्हें कोई रोक नहीं सकता, इधर नहीं आई घोड़ी चलो जब मर नहीं सकते। यो हमारी भगवान से निवेदन था कि मौत आ रही तो मर जाएंगे ना, धोड़े पर बैठे रहे दो रात यहाँ, डरे मारे मारे होकर वादी बताए गए, कभी पुलिस आ रही कभी मिलिट्री आ रही कभी ये नेता आ रहे, इनके बाद भागे भगाओ इन्हें ना भगाओ, हम यही बैठे रहे दो रात तक सोए नहीं, या स्थिति हमारी करीब में। कब तक बैठे रहेंगे दादा? भाई यो तो भगवान की इच्छा, जो वो अच्छा होगा वो होगा, हम कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, भगवान ने जो चाहा होगा वो होगा, वह उसकी माया है, हम तो उसके हुक्म के पालन करने वाले, जैसा वो रखेगा उसी विधि से रह जाएंगे, सुख देगा सुखी रह जाएंगे, दुख देगा दुखी, दुख दिया दो रात दुखी रहे, आज सुख दे जब आज फुलवाड़ी हरी होगी सब जब दामी। दादा कल 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे, आपने कभी मन की बात सुनी है? भाई उसकी तो हम शिकल देखनी भी नहीं चाहते, 2 लाख की नौकर था, तारी आयु दुगनी कर दुआ, तारी नौकरी दिवा दुआ, भाई पर का गन्ने का पैसा ही बोलो ना मिला बेटा, कहाँ तो बच्चे ने पढ़ाऊँ, कहाँ तो पोतिया की शादी करूँ, है एक पैसा गन्ने पर नहीं बढ़ाया और घटा रहा, 70 रुपये का एक गन्ने में, एक क्विंटल गन्ने में 20 लीटर नहीं चला होता चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री था, और यो अब एक कितने भाव है 20 लीटर डीजल कितने का बैठे अब, यो ईमानदार आदमी हो, एक क्विंटल गन्ने 20 लीटर डीजल दे दो मारी दिखावे, एक क्विंटल गन्ने में 20 लीटर डीजल चरण सिंह ने दिया अब है, इतने यो दे दो बढ़िया बताओगे, इन्हें तो लूट कर दर दिए, यो प्रधानमंत्री बेईमान प्रधानमंत्री है, बढ़िया नहीं है। दादा आपने वो राकेश टिकैत का वो वीडियो देखा था जिसमें वो रो पड़े थे 28 की रात को, वो वीडियो देख पाए आप? अरे वीडियो मेरे तो आगे जा रहा हूँ यहाँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहीं से, यो भी मैं भी दोनों हम 37 साल से गए रहे हैं।